bismillah rahman rahim uh, very warm welcome to the very brand new subject entrepreneurship here is the module 1 uh, in this uh, session we will emphasize and talk on history emergence and the theories of entrepreneurship hum iske learning outcomes कौन -कौन entrepreneurship एवेन्यूज़ हैं वो कौन कौन से पर्सपेक्टिव हैं वो कौन कौन सी डायमेंशन है जिनके ऊपर हमें सोचना है हमें हिस्ट्री को देखना है तारीखी तौर पर ये सत्रह सौ से लेकर इक्कीसवीं सदी तक और आज की दुनिया में तारीखी तौर पर ये कहा जाता है कि आंट्रप्रियोर का कोई वजूद नहीं था लेकिन आज के दौर में ये कहा जाता है कि आंट्रप्रनोरियल मोटिव है आंट्रप्रेनि रिस्क लेता है आंटरप्रन प्रॉफिट कमाता है आंट्रप्रेनि ऑर्गेनाइजेशन बनाता है और आंट्रप्रोर जो है वो इस सोसाइटी को अगले लेवल यानी एक्सटेंडेड लेवल और आ, स्टेक होल्डर्स को भी अगले नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाता है फिर हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि जो है वो होने होने के के साथ 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 या पुरानी होने के साथ साथ, क्या मैनेजमेंट से ज्यादा पुरानी है या इसके आइडियाज जो हैं वो कब लिए गए मसलन आपने सुना होगा कि वेस्ट मैनेजमेंट से शुरू हुआ था और फिर मैनेजमेंट तक आ गया और फिर इसके अंदर फंक्शनैलिटी की बातें आना शुरू हो गई लेकिन क्या आंटरप्रनोर जो है वो आ, ड्राइव होता है इकोनॉमी से क्या ड्राइव होता है सोशियोलॉजी से क्या ड्राइव होता है साइकोलॉजी से क्या ये एक साइकोलॉजी है क्या ये एक सोशियोलॉजी है यानी कल्चर्स नॉर्म के मुताबिक मार्केट कैसी है कैसे प्लेस होगी और उसके अंदर क्या आइडियाज लेकर आने चाहिए या पहले से जो एक मार्केट चल रही है उसकी जगह मैं आपको कौन सी आइडियाज दे सकता हूं यानी हमने उस चीज को सोचना है क्या ये मैशत है क्या जब तक मैं इसके अंदर से रिस्क नहीं लूंगा क्या मैं प्रॉफिट अर्न करके नहीं दूंगा मेरे पास बेनिफिट्स नहीं आएंगे तब तक क्या रिजल्ट्स मेरे पास नहीं आएंगे ये हम सोचेंगे और तलाश करेंगे उन ओवरव्यू ऑफ ऑफ टॉप में Third, में थर्ड हम डिस्कस करेंगे इन द क्रिटिकल कॉन्टेक्स में देखने के लिए मैं अभी बताता चलू कि छ के करीब जो हमने देखी टोटल दस या ग्यारह से हम देखेंगे तो में से छह लोग जो हैं वो इकोनॉमिस्ट थे उनमें से तीन या चार जो थे वो सोशियोलॉजिस्ट थे एक और दो जो थे वो साइकोलॉजिस्ट थे लेकिन हम ये देखते हैं कि मैनेजमेंट में या मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी जो थेरीज हैं वो साइकोलॉजी से ड्राइव की जाती तो ऑंटरप्रन्य भी तो उतना ही इंपॉर्टेंट है ये भी तो एक मोटिव है इसके अंदर से निकलना है और आपके दिमाग और ख्याल के अंदर से एक आइडिया नहीं आना है अगर मैं अगर फॉर एग्जाम्पल डेफिनेशन से पहले एक बात करना चाहता हूँ वो ये कि एक है। मसलन आपने ये देखा होगा कि एक सादा आसान लफ्जों में कहा जाता था ये भी शेर उमदा शेर है जौक का शेर है वो कहा कि हयात आई आए, आए कजा ले चली चले यानी जिंदगी लाई और मौत आपको ले गई अब ये आसान बात है लेकिन शेर ठीक है ये हयात आई आए, आए कजा ले चली चले अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले ये अब एक आइडिया है एक फ्रेम है लेकिन इसके अंदर हमें इनोवेशन नजर नहीं आ रही अब यहां इंपॉर्टेंट बात यह है कि आंटरप्रन इसी स्टैंडर्ड चीज को चेंज करके बोलता है और वो ये कहता है कि मैं इतना बेमकसद तो नहीं था अगर मुझे कोई चीज लेकर आ रही है और मैं चला जा रहा हूं और इसके अंदर मेरे दरमियान में इख्तियार नहीं मैं अपने इख्तियार से कुछ चीजें नहीं कर सकता कोई इंपायरबेंट नहीं कर सकता आंटरप्रन्य को जो कहते हैं और जो साइंटिस्ट कहते हैं जो फिलोसफर्स कहते हैं वो ये कहते हैं कि कॉन्करर होता है ये सब इज्तमी तौर पर यह बात है

एक जरूरत थी और क्यों लाया गया वो तो किस लिए लाया लाया गया? गया। इसके मतलब मतलब हुआ कि वो एक एक खास मकसद की तकमील के लिए लाया गया. इसका मतलब है है, है है, है पीछे रिस्क भी है, मोटिव भी है, और भी है, भी मोटिव और और उसके बाद आपका प्रॉफिट या उसका रिजल्ट भी है अब गौर से देखिए तो डेफिनेशन ऑफ आंटरप्रनशिप कहती है जी,

और किसी प्रॉफिट की अर्निंग की तरफ आ जाऊंगा तब तब इनोवेशन है एंटरप्रेन्योर कहलाएगा और अगर मैं किसी चीज को तब्दील करके फॉर एग्जाम्पल दुनिया डिजिटाइज थी मैं डिजिटल दुनिया दुनिया से दुनिया से एनालॉग तब्दील करता हुआ कि जब दुनिया टच पर आई तो आईफोन ने एक पूरी दुनिया को तब्दील कर दिया मैकडोनल ने पूरी दुनिया को ग्लोबलाइजेशन की जगह मैकडोनलाइजेशन कर दिया जिन का जिक्र हम करेंगे कि वो हैं जिन्होंने कन्फाइनली इसके ऊपर काम किया

चम्पीटर की मशहूर इनोवेटिव थे पी एच डी करने वाले सब लोगों को जानते होंगे कि कोई एक भी मकाना मुकम्मल नहीं हुआ अब तक चम्पीटर की थेरीज इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही तो नीड फॉर अचीवमेंट जो की है फिर उसके बाद आपने एक्स एफिशिएंसी थेरी के बारे में देखा होगा फिर रेस्क बेरिंग थेरी नाइट की है और मैक्स वेबर ऑफ थे ग्रोथ अच्छा इसके ऊपर मैं यहाँ पर रोक कर करना चाहूंगा वो ये कि मैक्स वेबर जो थे वो सोशियोलॉजिस्ट थे और वो ये क्या कहते थे वो कहते थे कि इन्होंने इस ग्रोथ और एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ के अंदर कुछ ऐसी बातें की जिसकी बाद में नफ़ी भी की गई और कहा गया कि इसको इसमें नहीं होना चाहिए वो ये कहते हैं कि जब रिलिजन आ जाता है तो उसके अंदर जो मीशत का सर्कल है वो काम हो जाता है हम आगे चलते हैं उसके बाद आगे देखते हैंगिन की थ्योरी हम देखते हैं फिर हम थॉमस चुरान की देखते हैं ऑफ चेंज इन द ग्रुप लेवल पैटर्न देखते हैं इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है उस के अंदर क्या -क्या चाहिए। उनके अंदर ये कैसे हैं हम उसपे बात करेंगे अब मैं इसके डिस्टेंटिंग फ्यूचर की तरफ आ जाऊं इसका पहला फीचर मसलन इनोवेशन एंटरप्रेन्योर मीन कई लोग कहते हैं इट इज जस्ट इनोवेशन दूसरे कहते हैं

जो दिमाग और नफसियात और साइकोलॉजी के मुताबिक उनके मुताबिक उनको काम देना जानता है फिर मैंने स्किल और लीडरशिप मैंने आपको बताया कि पांच स्टेजेस हुई पहले सोचा था कि रेस्ट टेकिंग होते हैं बाद में कहा कि ये लोग एक नई चीजों को क्रिएट करने वाले होते हैं यानी क्रिएटर होते हैं और बाद में आज के दौर तक ये माना जा चुका है कि हर एंटरप्रेन्योर लीडर होता है वो नई चीज़ों की इनिशिएट भी करता है और उन सब की जिम्मेदारी लेते हुए सब स्टेक होल्डर्स का ख्याल रखता है एंड देन वो गैप फिलिंग एक्टिविटी करता है वो वो जो कभी अभी तक नहीं किया गया फॉर एग्जाम्पल दुनिया को टच की जरूरत थी स्टीव जॉब्स ने टच ट्योरशिप तो अब एक नई क्लास बन चुकी है और वो इमर्जिंग क्लास क्या है यानी नए बिजनेस नई शुरुआत नए तौर से नए तरीका कार से अब आपके सामने नजर आ रहे हैं